जनाब, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड जो हैं उनके लिए यहाँ पे सक्कर में एक कैंप बनाया गया है, और उस कैंप की डॉक्यूमेंट्री के लिए आपके भाई फराज सरवर रिस्क ले रहे हैं, जा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, फुटेजेस बनानी है, कुछ डॉक्यूमेंट्री बनानी है रिगार्डिंग टू कोरोना वायरस कैंप इन सक्कर। डीसी साहब की कॉल आई है। राना अदील साहब से अभी मुलाकात हुई और अभी मुझे भेजा जा रहा है नुमान साहब के पास। नुमान साहब जो कि पीएस हैं एसी सक्कर के पास भेजा जा रहा है। एंड आफ्टर विजिटिंग हिम हम लोग फिर लोकेशन पे जाएंगे, उस लोकेशन पे जहाँ पे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से ये लिया गया है सक्कर में कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड लोग हैं और उनके लिए जो एक साइट बनाई गई है, उनके लिए जो प्लेस बनाया गया है कि वो साइट पे विज़िट के दौरान मैं आपको फुटेज अभी देखते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं विज़िट करने नुमान साहब से। N95 जो मास्क है, सच्ची का मास्क, वो हम इसको पहनाएंगे। वो गांव में पूरा का पूरा ये कवर होगा, अनटच टेक्नोलॉजी जैसे टेक्निक है, अनटच होंगे। उसके बाद ये अपने फौरन गाड़ी में बैठेंगे ड्राइवर्स, फिर जो भी कॉल आएगी, जो सस्पेक्ट, हम स्क्रीनिंग के लिए 5 पॉइंट बनाइए बाहर, ठीक है, एक बाहर बूथ बनाए, 5 स्क्रीनिंग बूथ बनाए गए ये बाहर। जैसे ही यहाँ से कोई आएगा पेशेंट्स, यहाँ कोई भी जो जायरीन वगैरह जैसे आएंगे, हम यहाँ से पाँच एक एक करके डेस्क, 5 जो डेस्क बनी हुई है वहाँ स्क्रीनिंग करेंगे हम, उसकी फिजिकल स्क्रीनिंग करेंगे, थर्मल भी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। जो सस्पेक्ट होगा ये वायरस का है, कोरोना वायरस, हम उनका एक लेबॉरेटरी टेस्ट लेते हैं, जो स्वाब लेंगे, नेजल स्वाब लेंगे, वो भी आ खान लेबॉरेटरी वाले वो भी आ रहे हैं, वो भी अरेंज किया हमने, वो भी आएंगे अभी, तो उसका स्वाब लेके फिर हम वो आ खान लेबॉरेटरी फार्म के साथ, रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ उनको देंगे, वो टेस्ट भेजा फिर भेजेंगे, ठीक, तो फर्दर उनको रेफर करेंगे जीएमसी लाड करना। ये हमें 3 पॉइंट है ऐसे आइसोलेशन के लिए, हमने क्वारंटाइन के लिए हमने ये पूरा वार्ड बनाया हुआ है सब हमारे पास। कोरोना वायरस एमरजेंसी रिस्पॉन्स है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, और डिप्टी कमिश्नर हैं राना अदील साहब, मेरी तो फर्स्ट टाइम उनके साथ मुलाकात हुई, एंड काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी जॉली भी हैं तबीयत के, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ मुलाकात करके। एंड ही जस्ट एक्सप्लेन मी एंड ब्रीफ मी इन अ वेरी फ्रेंडली एंड पोलाइट वे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह ये डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसा लगा कि मैं किसी फ्रेंड के साथ ही बैठ के गपशप कर रहा हूँ। यही नहीं, पूरा स्टाफ जो है वो काफ़ी फ्रेंडली, अभी मेरे साथ जो बैठे हैं, आपका नाम अली मोहम्मद है, और अली मोहम्मद काफ़ी वक्त तक मेरा वेट करते रहे, घंटों वेट करते रहे धूप में बाहर खड़े होके, तो थैंक यू अली मोहम्मद। हम सब दुआगो हैं कि इस कोरोना वायरस जो कि वबा बन चुका है, इससे मिलकर लड़ेंगे, और जितने बहन भाई इस वायरस में जकड़ चुके हैं उन सबको मिलकर इस वबा से निजात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे सब एतराज़ करेंगे कि मैंने जो है मास्क क्यों नहीं लगाया और हैंड ग्लव्स क्यों नहीं थे, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कम्प्लीटली उस वक्त की है
जब यहाँ पे मैनेज किया जा रहा था और ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कि यहाँ पे कोरोना वायरस इन्फेक्टेड या ज़ायरीन जो है यहाँ पे लाए जाएंगे, तो पहले से ही जो इकदाम किए जा रहे थे उस हिसाब से ये वीडियो बनाई गई थी। तो भाई वापस आ गए अपनी फटपटी पे और जा रहे हैं अभी एडिट करने।